तब हमको सही समझ मिलती है और तब हम आगे बढ़ पाते हैं। पूजा पाठ सब करते हैं। अच्छा, यहाँ का भी प्रोग्राम ऐसा है क्या कि यहाँ भी लोग सत्संग हो, माताएं बहने एक से जमा हो, ऐसे कोई प्रोग्राम है क्या? हाँ, रोज के लिए तो फिर यही है कि अब यहाँ के लिए जैना भैया को फिर तैयार करते हैं। जैना भैया के अंदर में वो लगन और वो डेडिकेशन दिख रहा है कि क्योंकि जब यहाँ लोकल आना और जाना हाँ ये पॉसिबल नहीं है। और अगर फिर भी बोलते हैं ना कोई के अंदर इतना प्रेम होता है तो फिर कुछ भी हो जाता है। तो आगे के लिए तो नहीं बोल सकते, पर अभी के लिए यही चीज़ है कि ये बोल रहे हैं। और आश्रम में तपस्या करो, जंगल में जाएगी आराम को ढूंढो, ऐसा कोई बात नहीं। गृहस्थ में रह के संसार करके बीवी बच्चा के गण में धीरे धीरे कागज चढ़ेगी। जो एक छोटा सा प्रॉब्लम हमारा दादा भगवान का ज्ञान है, जो पहले बोलते हैं लेकिन आखिर में उसको हम लोग उपलब्धि में आता है, वो है मानो या न मानो तुम ही भगवान, तुम मान या न मान तुम ही भगवान। ये हमारा आज राउरकेला का 250 फैमिली को जो दीदी कोई बैंगलोर में है, कोई दिल्ली में है, कोई भुवनेश्वर में है, कोई विशाखापट्टनम में है, लेकिन जो दीदी का प्रेम इतना जबरदस्त, जो जितना अट्रैक्शन उसका ज्ञान का महत्व इतना अधिक है। होने से हमको सही समझ मिलती है, सही समझ मिलती है तब हम सही रास्ते चल पाते हैं और तब भी हम उस परमात्मा तक पहुंच पाते हैं। तो इस मनुष्य जन्म को जो भजन में आया था लाइन है, मनुष्य जन्म सोना इसको नहीं हुई खोना, सत्संग है एक दर्पण सब दाग इसी में धोना। गंगा में नहाते हैं तो क्या तन को तो धो लिए लेकिन मन को तो नहीं धोया। गंगा के नहा के निकले और बाहर में हम लोग को किसी की गंदगी दिखती है और हमारा मन चलने लग जाता है। तो तन को तो धो लिए लेकिन मन को तो नहीं धोया हमने। तो इसके लिए ये सत्संग बहुत ज़रूरी है। सत्संग में बैठने से जैसे आईना में हमको अपना चेहरे का दाग दिखाई देता है, वैसे सत्संग में बैठने से हमारे अपने अवगुण दिखाई देने लग जाते हैं। इसीलिए सत्संग बहुत ज़रूरी है और जो सत्संग में जुड़ गया तो उसका बेड़ा पार हो गया। इसीलिए अपना समय निकाल के सत्संग में जरूर जाओ। आजकल तो मोबाइल में भी बहुत आता है, हम लोग तो गुरु जी का भी 40 मैक्सिमम 40-42 तक भी किया है। कौन दिल्ली में बैठा है, कौन बैंगलोर में बैठा है, कौन भुवनेश्वर में बैठा है, लेकिन वही आकर्षण का चलते वो लोग नहीं छूट पा रहे। 4:30 PM में सब जुट जाते हैं। दीदी का वहां से 2 शब्द सुनने के लिए जो ऐसे इसलिए आइए दीदी से सुनेंगे। ये आत्मा का ज्ञान है जो गीता में भगवान ने अर्जुन को बताया था। आप सब गीता पढ़ते होंगे, गीता में जो भगवान ने अर्जुन को बताया वो ही हमारे दादा भगवान पर मिला। भगवान हम लोग को वो ज्ञान बताए कि हम लोग संसार में क्यों आए हैं, किस लिए आए हैं संसार में, खाली खाना कमाना और भोगना इसके लिए।